हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं नागेश फरकाड़े जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक की तरफ से हूं, और जेडी कॉलेज की तरफ से ये जो प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एरोमॉडलिंग प्रोग्राम बच्चों में और बड़ों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। एरोमॉडलिंग एग्जैक्टली है क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है कि एरोमॉडलिंग यानी है क्या, तो हम जो मॉडल्स हैं उनको बना के और सेम एरोप्लेन के जैसे बना के उसमें जो इंजिन्स और उसके अंदर सर्वोस, बैटरीज, फ्यूल, ये सब लगा के हम इसे उड़ाते हैं, और उड़ाने में जो आनंद आता है वो जो रियल एयरक्राफ्ट उड़ता है सेम वैसा ये उड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो कंट्रोल दिए हैं वही ये कंट्रोल इसमें अंदर है। अभी मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में जानकारी दूंगा। सारे एरो मॉडल्स में अलग अलग प्रकार के आप देख रहे होंगे। ये एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन इनमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो जमीन से ऊपर उठता है और एरोप्लेन के लिए रनवे लगता है। अब वो रनवे क्यों लगता है उसके लिए और हेलीकॉप्टर जमीन से क्यों उठता है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि हेलीकॉप्टर जो है इसके अंदर में ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं इसे हम रोटर ब्लेड कहते हैं। ये रोटर जब जोर से घूमता है तो इसकी हवा पूरी नीचे आती है, और जैसे हवा नीचे आती है ये हवा में धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। इसके अंदर में रोटर ब्लेड मेन रोटर ब्लेड है, इसके अंदर काफी कंट्रोल्स लगे हुए, साथ में ये टेल रोटर भी है, ये हमें डायरेक्शन के लिए काम आता है। और देखो इसके साथ साथ उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये घूमता है तो वो भी घूमता है। उसके बाद में इसी प्रकार से एक मल्टीकॉप्टर है, इसे आप देखेंगे ये छोटे छोटे तीन मोटर से बना हुआ है। अब इसके अंदर ना तो एरोप्लेन की तरह विंग है और ना ही कुछ है, लेकिन ये तीनों मोटर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये जिस तरह से उड़ता है ये भी हेलीकॉप्टर की तरह से जमीन से ही आसमान में उड़ता है। ये मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा इसके बाद में, एक एक के बाद में। इसके बाद में आप देखेंगे ये जो ये कार है, ये छोटी कार है लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से ये जा सकती है। इसके अंदर हेवी शॉकअप्स लगे हुए हैं और 7.5 cc का इंजन लगा हुआ है। इस इंजन से इतना पावर जनरेट होता है कि, और ये फोर व्हील ड्राइव कार है। ये भी एक नया अजूबा है इसमें कि जो बच्चे हैं इसमें एक एक प्रकार का गेयर बॉक्स है और ये कैसा कंट्रोल होता है ये भी हम आपको लॉकडाउन के बाद में सब बताएंगे। अब ये जस्ट बेसिक मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। अब ये है ड्रोन। ड्रोन आजकल हर तरफ में ड्रोन की चर्चा होती रहती है। ये ड्रोन में जो कैमरा लगा रहता है यहाँ पे, इससे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फिल्म की शूटिंग में ये काम आता है, शादियों में भी आजकल ये बहुत यूज होता है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ते जा रही है। ड्रोन से आप बहुत सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि खेतों में अगर स्प्रे करना है तो ड्रोन से करते हैं, और आजकल जो बीच में जो कीड़े आए थे टिड्डे, उसको भगाने के लिए भी, उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए, उनको मारने के लिए भी अभी ड्रोन का उपयोग हो रहा है। उसके बाद में ये एक असेंबल किया हुआ जो है मल्टीकॉप्टर प्लस हेलीकॉप्टर, ये एक तरह से यहाँ के बच्चों ने जो बनाया हुआ है उसी प्रकार से ये भी एक अलग टाइप का मॉडल है। अब मैंने जो आपको हेलीकॉप्टर बताया था ये वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और बैटरी है। ये दो तरह का पावर है, एक तो इलेक्ट्रिक है और दूसरा ये वाला जो है ये हेलीकॉप्टर, इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। इसके अंदर में 7.5 cc का इंजन लगा हुआ है, ये इंजन है, गियर है, और सेम इसके अंदर भी फंक्शंस है। इसके अंदर में गियर बॉक्स बना हुआ है, ये साइलेंसर है, और ये भी इसके अंदर इंजन को स्टार्ट करके ही इसे उड़ाया जाता है। उसके बाद में मैं आपको एरोप्लेन के बारे में बताता हूँ। एरोप्लेन बनाते कैसे, हमें एक प्लान बना के उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब ये एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाते समय ये इस टाइप से विंग बनाना पड़ता है। इसकी जो एक एक रिब्स आप देख रहे होंगे, ये जो रिब है ये रिब्स को काट के लकड़ी जो है बालसा वुड या पाइन या प्लाईवुड भी आप यूज कर सकते हो, इसको बारीक बारीक इस तरह से डिजाइन करके जो रिब्स है इसको काट के और बाद में इसको जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में ये इस टाइप से विंग दिखता है, और बाद में जो इसका जो बॉडी है इसे हम फ्यूजलाज कहते हैं। ये भी इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है लकड़ियों से इस तरह से, और ये इसका जो टेल प्लेन है ये इस तरह से बना के, अब इसके ऊपर मैंने कवरिंग किया हुआ है, ये इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ये इसको आप
फिन कह सकते हैं, इसको रडर कह सकते हैं, ये सारे कंट्रोल्स मैं आपको बताऊंगा। आप फिलहाल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि बनता कैसा है। उसके बाद इसको कवरिंग किया जाता है। कवरिंग करने के बाद में फिर आता ये इस तरह से बनता है। कवरिंग करने के बाद में इस तरह से कवर किया जाता है। इसमें भी इंजन लगाया जाता है, इसमें इंजन लगा हुआ है, साइलेंसर है, प्रोपेलर है, और ये भी अच्छी खासी स्पीड से आसमान में उड़ता है। 70 से 80 की स्पीड से ये उड़ता है आसमान में। ये एक प्रकार का एक एरोप्लेन हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरा है, इसे हम ग्लाइडर कहते हैं। ये ग्लाइडर जो है ये काफी ऊंचा, इसका विंग देखेंगे आप बहुत बड़ा विंग है। ये ग्लाइडर हवा में ग्लाइड करते रहता है, इसका विंग इतना बड़ा रहने की वजह से इसे भी हम उड़ाते हैं। ये भी काफी बड़ा है, इसका भी सेम कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है। उसके बाद में ये एक एरोप्लेन, अभी हम इसके ऊपर काम चालू है, इसमें अभी इंजन लगा हुआ नहीं है, लेकिन सेम कंस्ट्रक्शन करके इस तरह से इसका फ्यूजलाज बनाया गया हुआ है, हल्का से हल्का, और सेम वही स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। इस तरह से भी ये विंग है। अब ये इसके अंदर इंजन और कंट्रोल करने के बाद ये भी उड़ने के लिए तैयार हो गया। ये एक हाई डेंसिटी फोम का एक एरोप्लेन है, ये भी काफी हल्का है। अब आपने अभी तक के देखा कि सब एरोप्लेन के सामने में इंजन थे, अब इसके पीछे में है, इसको कहेंगे पुशर। ये पुश करता है इसलिए इसको पुशर कहेंगे। सेम इसके अंदर भी वैसे ही कंट्रोल से जैसे सभी एरोप्लेन में होते हैं, ये भी आसमान में बहुत अच्छी तरह से ग्लाइड करता है, काफी लाइट एरोप्लेन है। उसके बाद में ये एक एरोप्लेन है जो कि जो पायलट ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए ये वाला एयरक्राफ्ट यूज होता है फ्लाइंग क्लब में, जिसका नाम है सेसना 152 और 172। तो सेसना 152 और सेसना 172 इस टाइप के जो हवाई जहाज होते हैं जिसमें पायलट ट्रेनिंग कराई जाती है। इसका भी देखिए स्ट्रक्चर सेम इस तरह से विंग बना हुआ है, सामने में इसके इंजन है, और बहुत ही खूबसूरत ये एरोप्लेन बना हुआ है। ये सब आप जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत नज़दीक से देखने को मिलेगा। अभी तो आपको यहाँ से अंदाज़ा नहीं आएगा। उसके बाद ये एक एरोप्लेन है, सेम वैसे ही हाई डेंसिटी फोम से बना हुआ है, और इसके कंट्रोल्स किस तरह से यूज होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। सेम वैसे ही है ये भी, उस तरह से ये एक स्पोर्ट्स एरोप्लेन है, इसका नाम है एक्स्ट्रा 300। ये स्पोर्ट्स एरोप्लेन है, ये बहुत ही बेहतरीन कलाबाजियां करता है ये हवाई जहाज। इसके अंदर आप देखेंगे सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया इसका भी, पर डिफरेंट टाइप का शेप है इसका। इसका एरोडायनामिक के वजह से आप देखोगे कि थोड़ा लुक अलग है। अब ये सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट, मरीन एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं इसको हम, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जहाज होते हैं लड़ाई के, उसके ऊपर में ये हवाई जहाज लैंड होता है, टेक ऑफ भी होता है। ये इस टाइप का हवाई जहाज है, इसके अंदर भी पुशर प्रॉप लगा हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ इस टाइप का, और ये भी बहुत अच्छी कलाबाजियां कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट इसको आप देखेंगे, ये एक फ्लाइंग सॉसर है। इस टाइप का हवाई जहाज शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, ये मॉडल बना हुआ है, मॉडल के द्वारा ये भी किस तरह से उड़ता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। गोल बना हुआ है, सेम कंट्रोल्स लगे हुए इसके अंदर, लेकिन बहुत ही अलग टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। तो JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने आपके लिए जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ लाई है, आप जरूर इसका लाभ लीजिए, और जितने जल्दी हो सके आप रजिस्टर कीजिए और ये प्रोग्राम के लिए आप आइए। और जिसे लॉकडाउन खुलता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और आपको यहाँ आके जो कॉलेज बस प्रोवाइड करेंगी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सेशन होगा एरो मॉडलिंग के ऊपर। ये एक्चुअली देखा जाए तो इस टाइप के प्रोग्राम स्कूल्स में नहीं होते, ना ही कॉलेज में होते। जैसे कि IIT और उसके लेवल के जितना भी एविएशन सेक्टर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये सब किया जाता है, लेकिन JD कॉलेज के तरफ से ये प्रोग्राम इसलिए आया गया कि हर बच्चों को इसका नॉलेज हो, ताकि बच्चों को इंजीनियरिंग, इसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग है, ये सारी इंजीनियरिंग इस एरोप्लेन के अंदर में आती है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। जो नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। उसके बाद में मैं आपको ये जो हेलीकॉप्टर है ये कैसे उड़ता है इसका मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। बाकी एरोप्लेन तो मैं उड़ा के दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त जगह नहीं है। जब आप लोग आओगे, पीछे हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हम ये सब उड़ा के आपको दिखाएंगे और उसके कंट्रोल्स के बारे में भी समझाएंगे। तो अभी
आपको एक हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखा दो। अभी इसके मूवमेंट्स में आपको दिखाता हूं इस हेलीकॉप्टर के कि किस तरह से मूव होते हैं कंट्रोल्स। ये जो टेल रोटर है ये वाला, इसे देखिए, ये हमें टर्निंग के काम आता है मूवमेंट। प्लस यहां पे अभी आप देखो ये एक मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। अभी हम इसे चालू करके आपको थोड़ा जमीन से किस तरह से हवा हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको देंगे। अभी हार्डली 2-3 फुट तक के मैं आपको डेमो दे सकता हूं क्योंकि यहां जगह थोड़ी कम है। तो आपने देखा ये जो हेलीकॉप्टर जो होता है इसे अनस्टेबल मशीन कहते हैं। इसको स्टेबल करके उड़ाया जाता है। ये इस तरह से उड़ता है, काफी डिफिकल्ट होता है इसको उड़ाना क्योंकि एक साथ इतने सारे कंट्रोल्स लेफ्ट राइट आगे पीछे, इसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपने देखा मुझे कितना डिफिकल्टी हो रही थी, थोड़ा भी हवा आता है तो मुझे दिक्कत होती है। उसके बाद में ये हेलीकॉप्टर के बाद में मैं आपको एक जो मल्टीकॉप्टर है जो आजकल ज्यादा अच्छा ट्रेंड चल रहा है बच्चों ने बनाया हुआ है उसका मैं डेमो दूंगा। अब जो इस टाइप का जो मल्टीकॉप्टर है, अब इसमें ना तो हेलीकॉप्टर के जैसा रोटर ब्लेड है ऊपर में और ना ही विंग है, इसमें तीनों मोटर को पूरा कॉम्बिनेशन में प्रोग्राम करके इसको एक साथ कंट्रोल किया जाता है। इसका मैं अभी आपको इसको उड़ा के दिखाऊंगा। ऊपर लेके जाओ।
भी एक तरह का मल्टीकॉप्टर जो होता है बहुत अच्छा ड्रोन बोल सकते हैं आप इसे। ड्रोन का मतलब ये होता है कि हवा में उड़ के शूटिंग करा जाए या सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाए, उसे आप ड्रोन कह सकते हो, जो कि किसी को मतलब जहाँ ईजीली उड़ जाए उस तरह से बना हुआ मल्टीकॉप्टर। ये उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी है उसमें इस टाइप की बैटरीज यूज़ होती है, अलग अलग प्रकार की इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है। और ये मोटर है, आप देखेंगे ये मोटर जो है साधारण मोटर नहीं है। जो भी मोटर को आप देखते होंगे उसका शाफ्ट घूमता है, मगर इसका शाफ्ट नहीं, इसका आउटर घूमता है। आप देखेंगे ये आउटर है, शाफ्ट फिक्स है और ये देखो आउटर घूमता है। बाकी मोटर आप देखिए, कुएं की मोटर देखिए, छोटी डीसी मोटर देखिए, उसका अंदर का शाफ्ट घूमता है, आउटर स्टेबल रहता है, मगर ये आउटर घूम रहा है और इसमें प्रोपेलर लगा हुआ है और इसके प्रोग्राम के हिसाब से उड़ता है। तो इस प्रकार से ये मल्टीकॉप्टर का फ्लाइंग बहुत अच्छा स्टेबल होता है। अभी मैं आपके इसके बाद आपको एरोप्लेन के कंट्रोल्स आपको मूव करके दिखाता हूँ कि उसके कंट्रोल्स क्या होते हैं, कि जिसके वजह से वो आसमान में उड़ते हैं, इसके वजह से वो बैलेंस होता है, उसके प्रोग्राम उसके जो अंदर क्या प्रोग्रामिंग किया जाता है, रिसीवर कैसा होता है, ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, ये मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का एरोप्लेन है। अब इसके अंदर में जो पार्ट लगे हुए आप देख रहे हो, विंग है, इसको फ्यूजलाज कहते हैं, इसे टेल प्लेन और इसे फिन। अब इसके अंदर में भी कंट्रोल्स होते हैं। अभी जैसा मैं आपको ये मूव करके दिखाता हूँ, फिन के अंदर में एक कंट्रोल हो जो हमें टर्निंग के लिए यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं रडर। फिर ये जो टेल प्लेन है इसके अंदर में एक कंट्रोल होता है, उसे हम कहते हैं एलिवेटर। ये हमें अप एंड डाउन फ्लाइंग, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज़ होता है। और उसी प्रकार से मेन प्लेन के अंदर में भी कंट्रोल होता है, देखिए आप, इसे हम एलेरॉन कहते हैं। तो ये एलेरॉन से हमारा एयरक्राफ्ट जो है बैंक होता है राइट लेफ्ट। और ये जो सामने लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, जैसे आपको मैंने दिखाया था, जब ये बैटरी, इसके अंदर बैटरी है। और इसको मैं शुरू करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से ये, अभी जब भी मैंने आपसे कहा था कि हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो ज़मीन से हवा नीचे फेंकता है तभी जाके वो आसमान में जाता है। अब ये क्या करता है, सामने से हवा पीछे की ओर फेंकता है तो जाके ये आगे की ओर जाता है। मैं आपको यहाँ ज़मीन पे इसको मूव करके दिखा सकता हूँ, ये जो हवा प्रोपेलर से जनरेट होती है वो किस तरह से एयरक्राफ्ट पीछे जाता है। इस तरह से ये प्रोपेलर हमें स्पीड जनरेट करके देता है, आसमान में जाता है। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट है। तो अभी आपने देखा कि ये जो ऑनलाइन सेशन जो हमारा था, यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाया, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन देगा, तब जेडी कॉलेज पूरी अरेंजमेंट करेंगे आपको यहाँ लाने की। बसों के द्वारा आपको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पे आपका दिन भर का जो सेशन होगा, जिसमें आपको एरो मॉडल्स बनते कैसे हैं, पूरे प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताऊंगा बनते कैसे हैं, कैसे कैसे इसके पार्ट्स और कंट्रोल्स जो है यूज़ होते हैं, इसका टेली कम्युनिकेशन कैसा होता है रिसीवर और ट्रांसमीटर का, साथ में उसके अंदर जो सर्वो मोटर्स होती है
बैटरीज होती है, इंजिन्स कैसे होते हैं, प्रोपेलर्स के अलग अलग शेप कैसे होते हैं, ये मैं सब आपको यहाँ आने के बाद में प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। और उसके बाद में ये कैसे फ्लाई होते, एरोप्लेन ज़मीन से कैसे रियल एरोप्लेन के जैसे जाता है और आसमान में जाके स्टेबल होके किस तरह से उड़ता है और प्रॉपर लैंड भी करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो मैंने आपको कुछ स्पोर्ट्स एरोप्लेन जो दिखा है वो आसमान में किस तरह से कलाबाजी करते, जैसे कि आपने देखे कि आसमान में जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो है या प्राइवेट जो स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट जो होते वो किस तरह से एरोबैटिक्स करते, ये सारी एरोबैटिक्स मैं आपको इस मॉडल के द्वारा आसमान में करके दिखाऊंगा। और ये इतना ऊपर उड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि आपको लगेगा कि ये जितना हम देख सके वहाँ तक के हम इसे उड़ाएंगे, क्योंकि हमें इसे देखते हुए कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर तो हम बैठ नहीं सकते। जैसे रियल एरोप्लेन के अंदर पायलट बैठ के कंट्रोल करता है वैसा इसे हमें बाहर से कंट्रोल करना है। तो बाहर से हमें ना इसके हवा का पता चलता है, ना हाइट का पता चलता है, ना ही वो उसकी डायरेक्शन अप और डाउन, सिर्फ कंटिन्यूस उसको देखते हुए ही हमें कंट्रोल करना पड़ता है। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये, इसलिए इस टाइप का जो डिफ़िकल्ट बोलो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ये जो प्रोग्राम है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर भरपूर है, जो आपको नए नए टेक्नोलॉजी जो अभी आते जा रही है, आगे आप देखेंगे फ्लाइंग कार आएगी वो भी इसी प्रोग्राम के ऊपर आएंगी, वो कैसे रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको यहाँ बुलाया जाएगा, आप यहाँ आके प्रैक्टिकली आपके आँखों से देख सकते हैं। अभी इस वक्त जो है अपन ऑनलाइन जो ये सेशन कर रहे हैं, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, ना ही मैं ज़्यादा समय दे पाऊँगा इसको। आप जैसे ही यहाँ आओगे यहाँ आपको पूरा एंजॉय करने को मिलेगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो इस टाइप के जो प्रोग्राम है ये आपको ना तो कहीं यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा ना ही सीखने को मिलेगा। ये सब बहुत ही हाई लेवल के प्रोग्राम होते हैं, जैसे आप अभी से सीखोगे या अभी से देखोगे तो आगे जाके आपकी भी इच्छा होगी, एविएशन में जाएगी आप, इंजीनियरिंग में जाओगे, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में जाओगे, ये सब में इंजीनियरिंग ही काम आता है, इंजीनियर बच्चे ही वहाँ जाते हैं, चाहे आप एयरफोर्स में जाइए, ये सब इसका बेस है। और ये आपको जीडी कॉलेज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो इसका आप ज़रूर लाभ लीजिए। ये तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, बाद में आप आओगे आपको विस्तार से ये सब देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।